हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ विंटर स्पेशल मूली के पराठे की रेसिपी। मूली का पराठा कैसे बनाएं एकदम सॉफ्ट एंड क्रैकलेस, आज के वीडियो में चलिए जान लेते हैं। मूली का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 600 ग्राम्स मूली ले लिया है और उसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने से ही मुझे इतना ज़्यादा पानी मिला है। अब मैं इसमें थोड़ी सी सॉल्ट ऐड करूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं और मूली से आप देख सकते हो और भी ज़्यादा पानी निकलने लगा है। अब मैं इसको ऐसे छोटे छोटे अमाउंट में हाथ में ले लूँगी और अच्छी तरह से स्क्वीज करके सूखी मूली को अलग से प्लेट में रख लूँगी और जो पानी बच गया है वो इस बोल में छोड़ दूँगी। अब मैं तैयार करने जा रही हूँ पराठे के लिए आटा। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप्स ऑफ व्हीट फ्लावर लिया हुआ है और उसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी सॉल्ट, फिर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ए पिंच ऑफ हींग एंड 1/2 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर। इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लूँगी और फिर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ घी। घी के जगह पे आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को फिर से एक बार मिक्स करूँगी और जो स्क्वीज करके पानी मैंने रखा हुआ था रेडिश का वो ऐड करके एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लूँगी। आटा मैंने गूंद लिया है और उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए भी रख दिया है और उसके बीचों बीच में बना लूँगी जो पराठे के अंदर मूली की स्टफिंग जाएगा वो। उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया हुआ है, उसको गर्म कर रही हूँ, फिर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। जब ऑयल थोड़ी सी गर्म हो जाए फिर मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स, 1/4 टीस्पून ऑफ कैरम सीड्स, ए पिंच ऑफ हींग। 1 मिनट के लिए थोड़ी सी सौते कर लूँगी, फिर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहे तो चॉप जिंजर एंड चॉप गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं एंड इसी वक्त आप चाहें तो चॉप्ड ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से सौते कर लूँगी जब तक कि जिंजर गार्लिक से जो रॉ स्मेल आती है वो ना चली जाए। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी जो ग्रेट करके मैंने रखा हुआ था स्क्वीज करने के बाद मूली वो। उसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रोस्ट कर लूँगी। जब आपको लगे कि इसमें और पानी नहीं बचा है फिर आप इसमें ऐड कर ले थोड़ी सी फेनल पाउडर। मैंने ये फेनल ड्राई रोस्ट करके पाउडर करके रखा था तो उसमें से मैं 1/4 टीस्पून फेनल पाउडर ऐड कर रही हूँ और फिर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला की जगह आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से फिर से 1-2 मिनट के लिए मिक्स करके थोड़ी सी सौते कर लें। फिर गैस को ऑफ करके थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स को स्प्रिंकल कर लें और ठंडा होने के लिए रख दे बिफोर मेकिंग द पराठास। अब पराठा बनाने के लिए जो मैंने आटा गूंद के रखा था उसके पेड़े भी बना लिए थे। उसमें थोड़े थोड़े सूखी आटा लगा के मैंने ऐसे छोटे छोटे सर्कल बना लिए हैं। फिर सर्कल के बीचों बीच जो स्टफिंग मैंने बना के रखा था वो ऐड किया है और फिर इसको इस तरह से सील कर दिया है जैसे कि आप आलू के पराठे में बनाते हो वैसे ही। फिर ऊपरी हिस्से में जो एक्स्ट्रा आटा है वो मैं निकाल दे रही हूँ क्योंकि जब आप बेलने जाओगे तो वो मिडिल वाला हिस्सा सिर्फ आटे का फीलिंग देगा, जब आप खाने जाओगे स्टफिंग आपके मुंह में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा आटा निकाल रही हूँ। फिर इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी सूखी आटा लगा के। जो मैंने मूली को फ्राई किया था उसके वजह से मूली में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो ये एक बेनिफिट है। जब आप बेलने जाओ तो पानी नहीं रहेगा तो ये फटने का चांस भी नहीं रहेगा, इसलिए आप मूली के पराठा बनाने के वक्त मूली को ज़रूर फ्राई करके उसका स्टफिंग बनाएं। और एक बात आप ध्यान में रखें, जब आप बेलने जाओ तो जब हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ऐसे ऊपर भी बेलते हैं और नीचे भी बेलते हैं तो वैसे नहीं बेलना है। एक ही डायरेक्शन में किनारे किनारों से ऐसे हल्के हाथों से बेलते जाना है। अगर कहीं से थोड़ी सी फटने की चांस रहती है भी तो फिर वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सूखी आटा लगा लें और फिर से बेल लें।
ये मेरा एक पराठा रेडी हो गया है। इस तरह से मैं बाकी पराठा भी रेडी कर लूँगी। सेकने के लिए मैंने एक पैन गरम किया हुआ है, उसमें ऐड कर दूँगी पराठा और मीडियम फ्लेम में दोनों तरफ से इवनली कुक कर लूँगी। जब दोनों तरफ से इवनली कुक हो जाए फिर मैं एक साइड में ऑयल लगा लूँगी और उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी। फिर इसको पलट दूंगी और दूसरे साइड में भी ऑयल लगा के इसको स्प्रेड कर लूँगी और दोनों ही साइड से धीमी आंच में दबा दबा के अच्छी तरह से इवनली कुक कर लूँगी। जब इसे ब्राउन ब्राउन स्पॉट आने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि पराठा कुक हो चुका है। फिर इसको निकाल ले एंड सर्व इट हॉट विथ योर फेवरेट चटनी, सॉस या फिर पिकल। मैं इसको बेजल पिस्तो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको कैसी लगी मेरी ये मूली के पराठे की रेसिपी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।